ललित भाई, ललित जितना भाई, आपका और मेरा, एक मिनट, वो डिराइव शांत हो करना जाइए, चाहते थे ठीक है ललित भाई, तो शांत हो भूल जाइए। का उठा वही माजिद, नारा है माजिद का मैं रुख करता मुसलमानों हूं, को भी और ले गया, माजिद थोड़ी सी क्योंकि देर से आप मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके लिए माफी। लेकिन अगर इस तरीके की एंटी नेशनल बातें होंगी, महबूबा कहेंगी पाक पीओके में रहने वाले खुशकिस्मत हैं, तिरंगा नहीं उठाएंगे साहब, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि अगर आप इस तरीके की बड़ी यात्रा में शामिल होती हैं तो क्या तिरंगा आप थामेंगी? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मंजिल मगर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गए। तो बिल्कुल राहुल गांधी जी की आदरणीय भारत जोड़ो यात्रा, मैं इसको भारत जोड़ो यात्रा नहीं कहता, मैं आदरणीय कहता हूं, क्योंकि ये कोई सियासत नहीं है, कोई धर्म की राजनीति नहीं है, आस्था है। आस्था क्यों है? क्योंकि मुझे इसमें डांडी मार्च याद पड़ता है, उन्नीस अरे सौ नहीं तीस नहीं में जब इतिहास महात्मा पर मत गांधी जाइए ने जो माजिद यात्रा कहरी, की। मैं नहीं आपको इंटरप्ट करना चाहता था, जो सवाल पूछा सर उसका सीधा जवाब दीजिए। जी देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, जिनके दिल में तिरंगा हो, हाथ में दिखाने की जरूरत नहीं। हो सकता है महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने दिल में तिरंगा लेकर अच्छा, चले। अब आप तो दिल इतने में बड़े तिरंगा रखती अंतर्यामी है तो और है मुंह नहीं। से कहती है तिरंगा नहीं उठाएंगे, तिरंगा उठाने नहीं वाला देखिए, घाटी में कोई नहीं आप मिलेगा, तो आज इतने खून खराब हो देखिए जाएगा। राकेश भाई, आप देखिए राकेश भाई, आप तो आज अंतर्यामी बन के आ गए हैं कि आप लोगों के दिल का भी जानते हैं किसके दिल में तिरंगा है, किसके अरे दिल में आप तिरंगा नहीं अंतर्यामी है। हैं, हमने नहीं अरे कहा कि दिल में सबसे, तिरंगा है, आपने कहा कि दिल में अरे तिरंगा देखिए है, हमने तो वो राकेश बातें भाई, कही जो महबूबा मुफ्ती ने अपनी जुबान से कही कि तिरंगा उठाने वाला कोई घाटी में नहीं मिलेगा। राकेश भाई, सबसे पहले तो हम सब मिलके आज भाजपा को एक बधाई दें, एक क्रेडिट दें कि उनने ऐसे हालात कश्मीर में बनाए कि आज रेस चल रही है वहां तिरंगा कौन फहराएगा। तो उसमें हमारे अनुराग ठाकुर जी भी आए ना राहुल गांधी जी के साथ। अगर ये देश की बात है, प्यार मोहब्बत की बात है, एकता की बात है, महबूबा राष्ट्रवाद मुफ्ती की पर बात आप है, नहीं बोलेंगे? भाजपा दूर क्यों रह रही नहीं है? नहीं छोड़िए ना अरे सब भाजपा, आ जाए ना, अरे भाजपा भाजपा वाले छोड़िए, भी आए, आप भी आए, महबूबा आप भी मुफ्ती आए, पर बोलिए, लेकिन आप इसमें माजिद भी हैदरी, आप महबूबा उम्मे मुफ्ती नुकता पर बोलिए, निकालते हैं, इसे माजिद उर्दू में हैदरी, कहते हैं महबूबा तो उम्मे मुफ्ती पर नुकता। बोलिए, अरे राहुल बिल्कुल गांधी इधर उधर की को बात नहीं, दाईं तरफ से सांस क्यों लिया, बाईं तरफ से सांस क्यों लिया? भाई महबूबा आप मुफ्ती लोग पर क्यों बोलिए राहुल ना गांधी जी की इज्जत तो राहुल, कीजिए, अरे हम इज्जत कीजिए नहीं कि नहीं राहुल कोई गांधी आदमी की भारत महात्मा जोड़ो यात्रा गांधी के बहुत सही बाद है, भारत को जोड़ रहा है। राजनीतिक यात्राएं होनी चाहिए इस देश में, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। देख आप महबूबा तो मुफ्ती पर उनकी बोलिए, सराहना कीजिए राहुल ना, गांधी पर तो बोलने उनकी के लिए यहां पर सराहना लोग कीजिए, हैं, तो लोकेश जिंदल वो काम कर रहा राहुल है। गांधी जी की सराहना राहुल कीजिए कि गांधी नहीं, महात्मा जी के नहीं बाद कोई राहुल ऐसा गांधी कोई के गांधी प्रवक्ता है मत जो देश बनिए, को जोड़ रहा है। उसके लिए लोकेश जिंदल है यहां पर। आप महबूबा मुफ्ती के बारे में बताइए। मैंने राकेश आपसे जी, कहा भारत जुड़ जिसके दिल रहा में है, तिरंगा हो उसे हाथ में दिखाने की जरूरत नहीं होती। आपके अंतर्यामी है क्या, आप जानते हैं उनके दिल में तिरंगा तो है या नहीं आपने है? कैसे जाना अरे कि उनके जब वो दिल में भाजपा तिरंगा के है? साथ सरकार अरे में आपने थी कैसे तब जाना से कि उनके उनके दिल दिल में में, तिरंगा है? माजिद हैदरी मैंने इसलिए जाना क्योंकि उनने भाजपा के साथ सरकार बनाई तब क्या उनके दिल में पाकिस्तान का तिरंगा था? क्या वो पाकिस्तान का झंडा लेके चलती थी? जब वो भाजपा के साथ थी तब वो देवी थी, पूज्य देवी थी, भाजपा वाले उनकी पूजा करते थे सुबह शाम, और आज वो भाजपा की सरकार ने उन्हें धोखा दिया तो आज वो देश अक्टूबर क्यों दो नहीं हो हजार गई? बीस वाह अरे वाह, क्या माजिद बात है, हैदरी, क्या अक्टूबर दो बात हजार है, क्या बीस बिल्कुल सही। अक्टूबर 2020 महबूबा मुफ्ती ने कहा था तब तक तिरंगा नहीं उठाएंगे जब तक जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने की अनुमति नहीं। 35 ए के साथ खिलवाड़ हुआ तो वो देखेंगे जो 1947 में नहीं दिखा। ये दिल में तिरंगा है? 2016 भाजपा ने कहा था महबूबा मुफ्ती देवी है, पूजा के लायक है, उनकी आस्था रखते थे, उनके सामने झुकते थे, नमन करते थे भाजपा वाले। ठीक है, आज आपको चलिए राजीव जी।